बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने आपको एलसीएम एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर हमने एलसीएम फाइंड आउट करने के आपको मेथड बताया था, डिवीजन मेथड, और जिसमें हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज फिर अगेन जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2 के हम 2 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करने लगे थ्रू डिवीजन मेथड, ताकि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा क्लियर हो जाए। डिवीजन मेथड के अंदर सेम हमने वही हमने इस तरह सेम सारे नंबर्स को हमने इकट्ठा लिखा और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया। तो 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 8 आर 16, 2 1 आर 2 3 आर 13 आर 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 13 एज इट इज आ गया। फिर 2 से गया 3 एज इट इज आ गया, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4 और 13 भी एज इट इज आ गया। अगेन 2 3 ऐसे आ गया आपके पास, 1 2 1 आर 2 और 13 एज इट इज आ गया। ठीक है, उसके बाद अब 3 3 1 जा 3 और 13। अब एंड में 13 क्योंकि प्राइम नंबर है और ये किसी में भी नहीं आता, तो आप उसको 13 को आप 13 से ही डायरेक्टली आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 1 1 और ये 1। ये देखिए, अब जो है इन द एंड अगेन वी आर गोइंग टू असेंबल द नंबर्स जिनसे हमने इनको डिवाइड किया था। हमें पता चला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स 2, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, सही हो गया। अब ये देखिए 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 4 जा 16 16 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ये देखिए, यहां मैं अपना रफ वर्क के लिए बना रही हूं थोड़ा छोटा सा। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 3 6 18 1 ऊपर कैरी 48 इट्स मीन 48 मल्टीप्लाई बाय 13। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 48 विथ 13 टू ऑब्टेन अवर एलसीएम। 3 8 24 12 13 14 8 and 4 4 624, it's mean 624 is the multiple of 12 8 16 and 26, is the common multiple of जो कि 624 एक ऐसा नंबर है जो कि 12 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 16 के टेबल में भी आता है और 26 के भी। यहाँ आप ये कह सकते हैं 12 को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 624 आ रहा है। इसी तरह 8 भी जब किसी नंबर से, हमें नहीं पता कि किससे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 24 आ रहा है। इसी तरह 16 और 26, और ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे कॉमन नंबर भी है इन चारों का, और इससे बड़ा तो कोई हो सकता हो जो कि इनमें कॉमन आए, लेकिन ये जो है लीस्ट है कॉमन जो कि इन चारों के अंदर, इन चारों के टेबल के अंदर ये आता है या इन चारों का ये मल्टीपल है। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये देखिए एक और आई पार्ट मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको बताने के लिए कि आपने किस तरह करना है। अगेन आपने आपने बनाया इसका डिवीजन मेथड, 2 से स्टार्ट किया, 2 5 आर 10, 15 एज इट इज, 6 आर 12, 10 आर 20। ठीक है, अगेन फिर आप 2 पे गए, 5 आपने एज इट इज उतार लिया, 15 भी एज इट इज, 3 आर 6 और 5 आर 10। नाउ अब आप गए 3 के ऊपर, 5 एज इट इज, 3 5 आर 15, 3 1 आर 3, 5 आपका फिर ऐसे एज इट इज आ गया। नाउ 5 पे 5 1 एज इट इज और 5 1, ये आपका यहां पे सॉल्व हो गया। एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या किया, जो नंबर थे यहां पे, जो नंबर आपने डिवाइड किया था आपने वो यहां पे लिख लिए। 2 2 जा 4 3 5 जा 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू, कंफ्यूजन गलती ना हो तुक्का नहीं लगाना, देखिए 60, इट्स मीन 60 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 15 12 एंड 20। 60 जो है वो कॉमन मल्टीपल है और छोटा भी है, लीस्ट भी है, जो कि इन 4th नंबर के टेबल्स के अंदर आता है या इनका मल्टीपल है। स्टूडेंट होप ये जो है एक्सरसाइज में से मैंने आपके काफी पार्ट्स यहाँ सॉल्व किए, बाकी पार्ट्स आपके लिए करना बहुत आसान होंगे, और ये जो है हमारे यहाँ पे जो है ना इस वक्त हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है। प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से ही आपको इसको कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेंगे।